हेलो स्टूडेंट, आई एम सतवीर सिंह एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज फॉर क्लास 10th. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस चैप्टर: वेब सर्विसेज, नेट सर्फिंग एंड व्हाट इज ईमेल सर्विस एंड व्हाट आर द advantages and limitations of email. First point, web services. Web services are the software based services that take place when two electronic devices connected via network communicate over www.http. क्या meaning है इसकी? कि वेब बेस्ड सर्विस एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक नेटवर्क मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, यानी कि हम कहें इन शॉर्ट ऑल ओवर द ग्लोब. यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम इंटरनेट के थ्रू जो भी सर्विसेज को यूज करते हैं, जैसे अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन को नेट पे सर्च करना है, या अगर मैं ईमेल सर्विस यूज कर रहा हूँ, या मैं चैटिंग यूज कर रहा हूँ, या तो मैं क्रिकेट के लाइव स्कोर को देख रहा हूँ, या ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ, या मैं म्यूजिक डाउनलोड कर रहा हूँ, मीन्स किसी भी तरह की मैं इंटरनेट की सर्विस को यूज कर रहा हूँ, तो वो क्या है? वेब सर्विस है. नेक्स्ट पॉइंट, What is the meaning of net surfing? Exploring the web is known as net surfing. यानी कि net surfing की meaning क्या है? हम internet को कितना explore कर रहे हैं, यानी कि हम internet पे जो भी चीज़ें use कर रहे हैं, जैसे मुझे online game खेलना है, मैं online internet के through online game खेल रहा हूँ, या सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज कर रहा हूँ, या ईमेल सर्विस को यूज कर रहा हूँ, चैटिंग कर रहा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँ, यानी ऐसी जितनी भी सर्विसेज या कोई भी मैं इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू सर्च कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? नेट सर्फिंग. यानी इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना या उन टेक्नोलॉजीज को यूज करना ही क्या है? नेट सर्फिंग है. नेक्स्ट पॉइंट, डाउनलोडिंग. ये नेट सर्फिंग का ही एक पार्ट है. अक्सर हम इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन को, जैसे कोई डाटा फाइल हो या इमेज हो या कोई ऑडियो या वीडियो सॉन्ग हो, उसको हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं अपने लोकल डिवाइस पे. तो डाउनलोडिंग की एक्चुअल मीनिंग क्या है? मेकिंग द कॉपी ऑफ रिक्वेस्टेड वेब पेज और फाइल और डॉक्यूमेंट ऑन योर लोकल कंप्यूटर और एनी डिवाइस इज कॉल्ड डाउनलोडिंग. यानी इंटरनेट के किसी वेबसाइट के उस वेब पेज से रिक्वेस्ट करना एक कॉपी के लिए, जिस डॉक्यूमेंट या फाइल को हम अपने लोकल डिवाइस में सेव करना चाहते हैं. जैसे कि मैंने कोई वेबसाइट खोली हुई है जहाँ से मैं किसी ऑडियो सॉन्ग को डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो एक्चुअल जो मेन फाइल है वो उस वेबसाइट के सर्वर पे लोड है, और हम क्या कर रहे हैं? हम उस वेबसाइट के उस वेब पेज पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस फाइल का एक डुप्लीकेट कॉपी हमें अपने लोकल डिवाइस पे सेव करने की परमिशन चाहिए. यानी कि हम उसका एक कॉपी जनरेट करते हैं, और कॉपी जनरेट करने के लिए उस वेब पेज पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ईमेल. ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल टू सेंड मैसेजेज इलेक्ट्रॉनिकली ऑन ए नेटवर्क. यानी कि ईमेल क्या है? ईमेल भी एक वेब बेस्ड सर्विस है, यानी कि वेब सर्विसेज का ही एक पार्ट है. अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली एक नेटवर्क के थ्रू, यानी इंटरनेट की हेल्प से मैसेजेस को सेंड करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब यानी ऑल ओवर द ग्लोब, तब हम किसका यूज करेंगे? ईमेल का.
यानी कि ईमेल एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी पर्सन को ईमेल सेंड कर सकते हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ईमेल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये है कि ये लो कॉस्ट है, हमें केवल एक ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत है, यानी हमारे उस डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और हमें एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना होगा और आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमें इंस्टेंट मैसेजेस सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी इंस्टेंटली हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। वेस्ट रिडक्शन, ईमेल आने की वजह से जो हमारा पेपर वेस्टेज था, जो हमें लेटर्स वाली सर्विसेज थी, डाक सेवा थी, इसका यूज अब ना के बराबर हो गया है। ईज ऑफ यूज, हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, इसके थ्रू हम सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं कि किस डेट में किस पर्सन ने हमें कब मैसेज किया, उसकी टाइमिंग क्या थी, पर डे हमारे पास कितने मेल आए, तो इस तरह से हम पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये एक तरह का पेशेंस सर्विस है, इसमें पेशेंस होना चाहिए, यानी कि अगर हमने किसी को मेल भेजा है तो हो सकता है हमारे इसे हो सकता है कि वो मेल तुरंत ना पहुँचे, लेकिन ये 100% है कि अगर मेल सेंट हुआ है तो वो 100% पहुँचेगा। तो ये सारे एडवांटेजेज हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एडवांटेजेज हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेज भी होंगे, तो एक बार देख लेते हैं डिसएडवांटेजेज क्या क्या हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, अगर हम किसी कंपनी ऑफिस में हैं तो हमें कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे हमारे पास हब होना चाहिए, स्विचेज होने चाहिए, ISP सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। तो अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमारे पास LAN नेटवर्क होना चाहिए, केबलिंग होनी चाहिए, उसके लिए कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है ताकि वो नेटवर्क में पहुंच सकें। हमें सिक्योर सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो अगर हम उसको लार्ज स्केल पे करेंगे तो उसमें हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगी। इम्परमानेंट का मतलब होता है अस्थिर, यानी कि हमारा जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन है वो हम ये नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हमारा नेटवर्क फेल हो जाता है तो हमारे डाटा लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। दूसरा, बहुत सारे नेटवर्क जब हम किसी ऑफिस या कंपनी में काम करते हैं तो नेटवर्क, क्योंकि सारे सिस्टम एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो ये पूरा एक तरह का हैस्टी मीडियम हो जाता है जिसके लिए हमें एक पर्टिकुलर ट्रेनर या टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत होती है। और अगर हम किसी को ईमेल कर रहे हैं तो इट इज़ हार्ड टू कॉन्वे इमोशंस, हम अपने इमोशंस को प्रकट नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, इसका एक लिमिटेशन है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आज के वीडियो लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस पॉइंट को मेंशन करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का बेस्ट सलूशन आप तक पहुंचा सकूं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।